मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज अपना नया टॉपिक जो है ना, वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए, हार्मोन्स कैसे काम करता है ना, इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, हार्मोन के काम करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमेशा ये याद रखो ना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में, कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। बात समझ आ रही है? हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा। हॉर्मोन्स हैं केमिकल मैसेंजर, ऐसे बेटा केमिकल जो सेल के अंदर पहुंच कर मैसेज देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। बात समझ आ रही है? जैसे ग्रोथ हॉर्मोन है, वो सेल के अंदर जाके क्या मैसेज देगा कि ग्रोथ करो बॉडी की। बात समझ आ रही है? ऐसे जितने भी हॉर्मोन है अपने हिसाब से वो काम कराते हैं, समझे? तो हम ये बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। हार्मोन्स टू टाइप से काम करते हैं, याद रखना। ठीक है, कैसे काम करेंगे? दो तरीके से। पहला क्या है? बाय इंटरेक्शन विद, ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे क्या करते हैं बेटा, वो इंटरेक्ट करते हैं। बात समझ आ गई आपको? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और दूसरा कैसे काम करते हैं भाई? तो बाई इंटरेक्शन विद, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। बस यही बेसिक डिफरेंस है हार्मोन के काम करने पे। एक बार हार्मोन्स जो है वो सेल के अंदर के रिसेप्टर पे काम करेगा जाके, एक बार हार्मोन जो है वो सेल के बाहर के रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये अंदर और बाहर के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, यही समझना है आपको। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ना ये रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, इन्हीं रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं आगे हॉर्मोन। बात समझे? ये रिसेप्टर है। ऐसे ही डायग्राम इसमें भी देखना, ये हो गया बेटा सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा? सेल का रिसेप्टर। क्लियर? ये है सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सेल का क्या हो गया बेटा? रिसेप्टर। अब आपको ये समझना है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे कैसे ये परफॉर्म करेगा। बात समझे? तो देखो, ऐसा होता है कि जो ये हार्मोन है, समझे, ये मैं बना दे रहा हूं हार्मोन, ठीक है, हार्मोन जो है वो सेल के अंदर के रिसेप्टर के पास जाएगा। ये पूरी सेल है, इसके पास जाएगा तब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखो, ऐसे करके पहुंच गया सेल के अंदर, समझ गए, इधर जाएगा और अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, समझे? तो ये वाले जो हार्मोन है जो सेल के अंदर जाते हैं, बस उनके एग्जाम्पल लर्न रखना होता है तुमको। कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? तो जो भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन? स्टीरॉयडल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरॉयडल हार्मोन होते कौन कौन से हैं। बात समझ गए? दूसरा आयोडोथायरोनीन, ठीक है, आयोडोथायरोनीन भी इसी टाइप से काम करता है। आयोडोथायरोनीन में जैसे T3 हो गया, T4 हो गया, जो थायरोक्सिन का कंपोजिशन है ना वो भी। ये टू टाइप के हॉर्मोन जो है वो कैसे काम करेंगे? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे वर्क करके। अभी लर्न करा दूंगा कैसे आसानी से इसको याद भी करते हैं। ठीक, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे कैसे काम किया जाता है। ये हॉर्मोन है बेटा, ठीक है, ये क्या हो गया? हॉर्मोन। हॉर्मोन जैसे ही जाता है सेल के रिसेप्टर के पास, सेल के पास जाएगा मेम्ब्रेन पे, तुरंत यहां पकड़ लिया जाएगा। इस सेल की जो मेम्ब्रेन, उसी के रिसेप्टर पे ही बाइंड कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से ये पास नहीं हो पा रहा है। बात समझ गए? तो अब ये पास नहीं हो पाएगा तो करेगा क्या? इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी ही है ना, तो इंफॉर्मेशन पहुंचवाने के लिए यहां पर क्या जनरेट करवाता है बेटा? सेकेंड मैसेंजर। समझ गए? खुद देखो, मैसेंजर है ये, जब खुद अंदर नहीं जा पाया तो इसने क्या जनरेट करा दिया? सेकेंड मैसेंजर। ये सेकेंड मैसेंजर अब अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाया। तुमसे बस यही पूछा जाता है कि सेकेंड मैसेंजर किसमें जनरेट होता है, इंट्रा सेलुलर वाले में कि एक्स्ट्रा सेलुलर वाले में? सिंपल सी बात है, किसी के घर तुमको इंफॉर्मेशन भेजनी है। बात समझ आ रही है? अगर घर के अंदर जाने वाले हो तो कोई बात नहीं, अगर घर के अंदर नहीं जा सकते हो, उसे मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे, तो क्या करोगे? किसी बच्चे के थ्रू या किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू तुम इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे ना, तो बस यही सेकेंड मैसेंजर के थ्रू होता है। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या होता है? तो प्रोटीन हार्मोन। समझ गए? ये कौन से हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ये। ये मेरे ख्याल से पूरी बात तुमको समझ आ गई होगी, याद रखना भी बहुत आसान है। बोलते हैं पी से प्रोटीन, पी से पकड़ जाते हैं बाहर की तरफ। जब पकड़ जाओगे तो क्या जनरेट करोगे? सेकेंड मैसेंजर। और इस सेकेंड मैसेंजर में कैल्शियम आयन हो सकता है, साइक्लिक एएमपी हो सकता है। बात समझ आ रही है? ये सब इसके सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं। क्लियर? जो पूरा फटाफट अपने अंदर तक चला जाएगा वो क्या हो जाएगा?
तो स्टीरोइडल जो पीछे पकड़ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, समझे। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक, एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो ये डायग्राम इसमें क्वेश्चन में बना के देगा, ठीक है, कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ये इसका रिसेप्टर हो गया, बात समझ आ रही है। यहां पर कोई हार्मोन है एक्स, समझ गए, ये हार्मोन क्या है एक्स, ये हार्मोन जो है ये सेल की मेम्ब्रेन को पार करता हुआ इसके रिसेप्टर तक पहुंच जा रहा है, पूछेगा आइडेंटिफाई एक्स, एक्स कौन है यहां पर, बात समझ गए, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना लगा देना। एक्स का मीनिंग देखो, पहला ऑप्शन यहां पे मान लो दिया उसने FSH, सेकेंड ऑप्शन दे दिया उसने ग्रोथ हार्मोन, बात समझ आ रही है, थर्ड ऑप्शन उसने दे दिया ईस्ट्रोजन, बात समझ गए, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया, कोई भी ऑप्शन दे सकता प्रोटीन हार्मोन का ही मान लो LH मान लेते हैं, बात समझे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर सही हो जाएगा, जो अंदर तक पार कर जा रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टीरोइडल, और स्टीरोइडल इसमें कौन सा है तो ईस्ट्रोजन है। सेम क्वेश्चन अगर पूछे मान ले रहे हैं इस तरफ से, अब हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं तुमको, ठीक है, ये कोई हार्मोन है वाई, समझ गए, पूछा गया कि ये इधर आया लेकिन इसकी सेल की मेम्ब्रेन पे ही बाइंड कर लिया गया, फिर इसने सेकेंड मैसेंजर जनरेट किया, अब ये सेकेंड मैसेंजर से इस तरफ जा रहा है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा आइडेंटिफाई, ठीक है, वाई, यहां पे वाई क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मान ले रहे हैं ईस्ट्रोजन है, समझे, सेकेंड कौन सा हो गया प्रोजेस्टेरॉन मान ले रहे हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड इसमें हो गया आयोडोथायरोनिन, समझ गए, आयोडोथायरोनिन, फोर्थ हम मान ले रहे हैं FSH, बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो बस तुमको यही देखना है कि इसमें से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, तो FSH इसमें आंसर हो जाएगा, बात समझ गए, जो पकड़ जाए सेकेंड मैसेंजर जनरेट करे तो वो कौन सा हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाला, और जो ना पकड़ा जाए डायरेक्ट सेल की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे चला जाता है तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर का। इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आज के लिए बेटा इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम पे एक और नया वीडियो, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।